Hello everyone and welcome back to my channel. This is Dr. Parithi, your dental mate. Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is Dr. Parithi, your dental mate, sharing with you my simplified versions of dental learning. So, our today's topic is enamel rods or the enamel prisms. These are the basic structural unit of the enamel which form the bulk of the enamel. This can be asked as a short answer question. You need to write this answer in the following points, which is the introduction, number, diameter, ultrastructure, striations and the direction of enamel rod. Okay, so first of all, talking about the introduction part. The enamel rods, these are the basic structural unit of enamel. They originate from the dentino-enamel junction and they run in a tortuous course to the tooth surface. Ye hum log already bahut sare structures mein dekh chuke hain ki they would originate from the dentino-enamel junction aur ek tortuous course mein they would enter and matlab wo outer surface of the enamel ya fir surface pe jayenge tooth surface pe, theek hai? Like this. So these are clear crystalline, they have a clear crystalline appearance. ठीक है, इनका एक clear crystalline appearance होता है जिसकी वजह से इससे light pass हो सकती है. ठीक है, they have clear crystalline appearance which help to pass the light through it. Now remember the length of the rod. ठीक है, length of the rod is greater than the thickness of the rod. बिकॉज इसका एक ऑब्लिक डायरेक्शन लेंथ, ये ऑब्लिक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है एंड इसका कैसा है, वेवी कोर्स है, बिकॉज ऑफ विच द लेंथ ऑफ द रॉड इज ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ द रॉड. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नंबर्स, इट वैरीज इन डिफरेंट टूथ, अलग अलग टूथ में अलग अलग नंबर्स में प्रेजेंट होता है, बट जो स्मॉलेस्ट टूथ ऑफ द ओरल कैविटी है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट टूथ ऑफ ओरल कैविटी, it is the mandibular lateral incisor. So in the smallest tooth of the oral cavity there are around approximately 5 million enamel rods present. ठीक है, whereas in the largest tooth, which is the largest tooth of the oral cavity, it is the maxillary first molar. There are around 12 million enamel rods present. ठीक है, largest tooth of the oral cavity maxillary first molar और उसमें around 12 million enamel rods present होते हैं. Now coming on to the diameter of the enamel rod. In an average the diameter of the enamel rod is 4 micrometers. ठीक है, एक एवरेज में इसका डायमीटर होता है 4 माइक्रोमीटर्स, बट इट इंक्रीजेस फ्रॉम द डेंटिनो इनामल जंक्शन टू द सर्फेस. यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज होता है इन अ रेशियो ऑफ, अगर यहाँ पे डायमीटर 1 है तो यहाँ 2 होगा, 1:2. ठीक है, सो दिस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम डेंटिनो इनामल जंक्शन टू द सर्फेस इन अ रेशियो ऑफ 1:2. ओके, बिकॉज जो आउटर सर्फेस है वो ज़्यादा ब्रॉड है एज कम्पेयर टू द डेंटिनल सर्फेस. वाई इज़ दिस हैपनिंग, जो आउटर सर्फेस है वो ज़्यादा ब्रॉड है एज कम्पेयर टू द डेंटिनल सर्फेस, मतलब अंदर सर्फेस, नीचे अंदर की सर्फेस ऑफ इनामल. ठीक है, सो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे ऐसा तो ये इधर जस्ट डबल. ठीक है,
दिस इज हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इनामल रॉड. नाउ लेंथ, द लेंथ द रॉड इन द कस्पल और द इंसाइजल पोर्शन, उनकी लेंथ ज़्यादा होगी एंड जो सर्वाइकल पोर्शन है वहाँ पे लेंथ कम होगी. ठीक है, क्योंकि कस्प और इंसाइजल एजेस ज़्यादा होगी और जो सर्वाइकल पोर्शन है वहाँ पे कम होगी बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ इनामल. वैसे ही टूथ का एनाटॉमी, वैसे ही टूथ डिज़ाइन होता है. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द अल्ट्रा स्ट्रक्चरल लेवल. अब अगर हम इसको लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में कट करें एंड ऑल्सो इफ़ वी कट इट इनटू द क्रॉस सेक्शन. पहले देखते हैं लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन. सो इन द लॉन्जिट्यूडनल सेक्शंस देर आर सेगमेंटल रॉड्स या फिर सिलेंड्रिकल रॉड्स दिखते हैं. ठीक है, सिलेंड्रिकल या फिर सेगमेंटल सिलेंड्रिकल रॉड्स आर शी सीन. नेक्स्ट द इनामल प्रिज्म्स, दे आर कवर्ड विद द प्रिज्म शीट. जो इनामल प्रिज्म होंगे इसमें दे आर कवर्ड विद प्रिज्म शीट एंड क्या होगा अलॉन्ग विद दैट इंटर प्रिज्मैटिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट, जो इनामल प्रिज्म है दे आर कवर्ड विथ प्रिज्म शीट. अब ये दो है, ये पहले तो इसमें किसकी कवरिंग होगी, एक प्रिज्म शीट की, और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, इंटर प्रिज्मैटिक सब्सटेंस इज प्रेजेंट बिटवीन देम. ठीक है, व्हाट इज प्रेजेंट, द इंटर प्रिज्मैटिक सब्सटेंस इज प्रेजेंट बिटवीन देम. नाउ दीज इंटर प्रिज्मैटिक सब्सटेंस, प्रिज्म शीट या फिर इसको रॉड शीट भी बोल सकते हैं. अब ये जो इंटर प्रिज्मैटिक सब्सटेंस है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एरियाज क्लोज टू द जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस एंड एडजेसेंट एमीलोब्लास्ट. दे आर रिच इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट. इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट अच्छा रहता है, मतलब ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट इज प्रेजेंट. एंड ये कैसे फॉर्म होता है, दे आर फॉर्म्ड बाय एरियाज जो कि अमीलोब्लास्ट के पास हो. ठीक है, जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस एंड अमीलोब्लास्ट के पास के जो एरियाज हैं उससे ये बनता है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द क्रॉस सेक्शन. अब अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये कैसा दिखेगा. सो इन द क्रॉस सेक्शन इट अपीयर्स ईदर हेक्सागोनल, हेक्सागोनल बोल दो, या फिर सर्कुलर और फिश स्केल के जैसा, या फिर की होल पैटर्न. सो डिफरेंट पैटर्न्स आर सीन इन द क्रॉस सेक्शन इफ वी सी द क्रॉस सेक्शन इन विच there are hexagonal, circular, fish scale or keyhole and the keyhole is the most common pattern which is seen. ठीक है, so keyhole, अब देखो कैसे दिखता है ये, let us draw. ये हो गया keyhole. ये उसके बाजू का एंड देन नेक्स्ट ऐसा. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज सीन इन, मतलब ये की होल टाइप का पैटर्न में इट इज सीन. अब ये एक और जो है वो यहाँ पे आएगा. Now, if we see the cross section, तो cross section में कैसा दिख रहा है, keyhole pattern.
अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में तो वो कैसा दिखेगा, विल सी आफ्टर फ्यू मिनट्स। सी, की होल पैटर्न में इसका हेड होता है या फिर बॉडी, ठीक है। तो हेड और बॉडी, इट इज़ नियर द ऑक्लूजल सर्फेस, दिस इज़ द हेड और बॉडी, दिस पोर्शन, ठीक है, दिस इज हेड और बॉडी, दिस पोर्शन इट इज़ नियर द ऑक्लूजल सर्फेस, ठीक है, डिरेक्टेड टूवर्ड्स द ऑक्लूजल और द इंसाइजल आस्पेक्ट। एंड दूसरा क्या है, टेल, दिस इज द टेल, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज टेल, सो टेल इट इज डिरेक्टेड सर्वाइकली और पॉइंटेड सर्वाइकली, ठीक है। नाउ द अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, अब जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, देखो इफ़ वी ड्रॉ अ सिंगल की होल पैटर्न, एक सिंगल अगर अपन की होल पैटर्न बनाएंगे तो इसमें दे आर अरेंज्ड पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द रॉड इन द बॉडी, मतलब ये बॉडी है, देखो अब इसमें ये बॉडी है एंड दिस इज द टेल, ठीक है, दिस इज टेल। तो बॉडी में जो हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स हैं ये पैरेलल होते हैं टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी, वेयर एज इन द 60 डिग्री एंगल पे डेविएटेड होंगे, ठीक है। हियर टेल पोर्शन में दे आर डेविएटेड 65 डिग्री एंगुलेशन पे, दे आर डेविएटेड इन द टेल पोर्शन, ठीक है, अराउंड 65 डिग्री, ठीक है, डेविएशन ऑफ अराउंड 65 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस एज दे फैन आउट इन टू द टेल्स, ठीक है, मतलब इसमें लैटरल फ्लेयरिंग है यहाँ पे क्रिस्टल्स की। और यहाँ पे कैसे हैं, दे आर पैरेलल, जब तक बॉडी के पास है दे आर पैरेलल एंड देन दे शो लैटरल फ्लेयरिंग, दैट इज दे आर डेविएटिंग एट एन एंगल ऑफ अराउंड 65 डिग्रीज, ठीक है, जब जैसे पेरिफेरी में जाएंगे तो एक लैटरल फ्लेयरिंग दिखेगी ऑफ 65 डिग्रीज एंगुलेशन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। नाउ जो की होल पैटर्न है, सी इसको अब अगर अपन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखें, इसको अगर अपन कंपेयर करें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में तो कैसा दिखता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, लेट अस सी, लेट अस फर्स्ट असाइन डिफरेंट कलर्स टू देम एंड देन आई विल ड्रॉ इट फॉर यू। ठीक है, अब अगर अपन इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें, मतलब ये वाला सेक्शन सेम, तो ये कैसा दिखेगा, लाइक दिस, ये हो गया पहला इरामल रॉड सिलेंड्रिकल, नेक्स्ट कम्स द इंटरप्रिज्मेटिक सब्सटेंस हियर, आफ्टर दैट ये दूसरा इरामल रॉड, ये वाला पोर्शन, दिस वे, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अगर हम स्टडी करें तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। द इंटर रॉड सब्सटेंस जो हम लोग को दिख रहा है, इट इज़ एक्चुअली वॉट, इट इज़ द रॉड टेल और द इंटर प्रिज्मेटिक सब्सटेंस, ये क्या है, रॉड टेल। नाउ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9 माइक्रोमीटर्स और इसका विड्थ कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 5 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ दीज स्ट्रक्चर्स आर सीन इन द लॉन्जिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में और क्रॉस सेक्शन में ऐसा दिखेगा। इन द कमिंग वीडियोज वील बी डिस्कसिंग अबाउट स्ट्राइशंस एंड द डायरेक्शन ऑफ इनामल रॉड सेपरेटली। I hope I have made myself clear to you till now. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. Also hit the bell icon if you don't want to miss any latest updates.
And do let me know in the comment section below if this video has helped you in any way, as this would boost me to make more videos of even better versions for you all. Stay tuned and keep visiting. Thank you.